यूट्यूब पर कैटेगरी सेलेक्ट करना एक बहुत ही कठिन काम है, और नए यूट्यूबर के लिए तो ये काम बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है। उन लोगों को पता ही नहीं रहता कि हम मेरा वीडियो कौन सा कैटेगरी पर है और कौन सा कैटेगरी में हम इसको डालें। तो पहले क्या होता था कि पहले जो वीडियो डालते थे 2020 से पहले, जो भी वीडियो पुराने यूट्यूबर है वो वीडियो डालते थे, तो उसका कैटेगरी नीचे डिस्क्रिप्शन में पता चल जाता था कि ये वीडियो कौन सा कैटेगरी का है, और दूसरा बंदा कोई भी वो देख के अपना कैटेगरी वो चूज कर सकता था। लेकिन 2020 के बाद से 2020 से ही ये कैटेगरी यूट्यूब की तरफ से हटा दिया गया है कि आप अभी डिस्क्रिप्शन में जाके देखिएगा तो किसी का भी कैटेगरी पता नहीं चलेगा, और कहीं से भी किसी का कैटेगरी पता नहीं चलता है कि हम कैसे कैटेगरी सेलेक्ट करें। तो आज हम इसी के बारे में बताने वाले हैं कि आप यदि कोई नया यूट्यूबर है, वीडियो बना रहे हैं, तो वो आपको पता नहीं चल रहा है कि ये वीडियो मेरा किस कैटेगरी पर है, तो आप ये वीडियो देखकर पता लगा सकते हैं कि मेरा वीडियो कौन सा कैटेगरी पर रहना चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आनंद और आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और अगर आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अभी तक आपने फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है इंस्टाग्राम और ट्विटर का, वहाँ पर जाके हमको फॉलो कर सकते हैं, और अगर कोई क्वारी है तो वहाँ पर आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं, तो इसका मैं आंसर दूंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पुराने यूट्यूबर जो है, जो ऑलरेडी 1 मिलियन सब्सक्राइबर गेन कर चुके हैं, 1 मिलियन, 2 मिलियन, जैसे टेक्निकल गुरुजी हो गया, मनोदय सर हो गया, ये सब का वीडियो आप चेक करके अपना मतलब कैटेगरी डाल सकते हैं। उस सब का भी वीडियो आप कोई भी वीडियो को क्लिक करके आप उसका कैटेगरी जान सकते हैं कि उसका कौन सा कैटेगरी पर वीडियो है। तो चलिए पहले हम अपना मोबाइल स्क्रीन पर जाते हैं। तो ये पहले आप ओपन कीजिएगा क्रोम ब्राउज़र, जो आपका क्रोम है वो क्रोम खोलिएगा। क्रोम खोलने के बाद उसमें m.youtube.com लिखिएगा, उसमें आपका पूरा खुल जाएगा। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, कोई भी वीडियो जिसका भी आप कैटेगरी जानना चाहते हैं, जैसे मैं अपना ही वीडियो का ही कैटेगरी आपको दिखा दे रहा हूँ, जैसे मेरा चैनल है, इसका हमको कीवर्ड जानना है कि मतलब सॉरी, इसका हमको कैटेगरी जानना है कि मैं ये वीडियो कौन सा कैटेगरी में रखा हूँ। तो ये पहला वीडियो है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, ये सेकंड वीडियो, हाँ ये फर्स्ट वीडियो ओपन कर लेता हूँ। तो ये मेरा वीडियो ओपन हो चुका है। इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं यहाँ पर क्लिक करके ये जो कॉपी का निशान है शेयर वाला के बगल में कॉपी का निशान है, इसको हम ये लिंक कॉपी कर लेंगे और इसमें हम पेस्ट कर देंगे। और पेस्ट करने के बाद यहाँ पर हम लिखेंगे व्यू भी, ये जो HTTP है इसके पहले कर्सर लाइएगा, HTTP के पहले कर्सर लाना है। कर्सर लाने से पहले वहाँ पर लिखेंगे व्यू हाइफर, व्यू हाइफर सोर्स, SORCE, व्यू हाइफर सोर्स, और उसके बाद हमको डबल कॉलम दे देना है, ये जो डबल कॉलम है इसको दे देना है। इसके बाद हम इंटर करेंगे तो ये कुछ इस टाइप का आपका खुल जाएगा, इस टाइप का आपका कुछ खुल जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो 3 डॉट दिख रहा है राइट साइड में, इसको आप क्लिक कीजिएगा। इसके बाद लिखिएगा यहाँ पर, जो देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ फाइंड पेज, इस फाइंड पेज को आपको ओपन करना है। फाइंड पेज ओपन करने के बाद इसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है कैटेगरी, CATEGORY कैटेगरी। थोड़ा साउंड आ रहा है बगल से, मशीन चालू हो रहा है तो इसीलिए थोड़ा कह दे कि वीडियो का थोड़ा साउंड ठीक नहीं रहेगा क्योंकि बगल में मशीन चल रहा है, तो ऐसे मैं आपको बढ़िया देने की कोशिश करूँगा। तो इसमें कैटेगरी लिखिएगा, और कैटेगरी जो लिखिएगा तो लिखने के बाद एक कैटेगरी यहाँ पर नीचे में आया, तो इसके बगल में ही फर्स्ट में ही आ गया। देखिए कैटेगरी के बाद आपको लिखा हुआ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसके बाद फिर नीचे वाला को क्लिक करेंगे तो ये देखिए इसके बाद पूरा आ गया साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में, ये मतलब वीडियो का कैटेगरी है। तो इस तरह से आप किसी का भी वीडियो का कैटेगरी जान सकते हैं। यदि आपका ब्लॉग चैनल हो, टेक चैनल हो, कि कोई भी आपका चैनल हो, तो उस टाइप का वीडियो आप ओपन करके जो मिलियन मिलियन सब्सक्राइबर वाले चैनल है उसका आप वीडियो ओपन करके वहाँ से ये ट्रिक अपना के आप वहाँ से कैटेगरी चूज कर सकते हैं कि आप कैसे कैटेगरी चूज करें। और नए यूट्यूबर के लिए मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि अपना वीडियो कैसे
कैटेगरी वाइज हम करें, तो ये सबसे आसान तरीका है। इससे आप ये तरीका अपना के अपना चैनल का कैटेगरी आप कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही नॉलेजेबल लगा होगा, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, और साथ में चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और इंस्टाग्राम और ट्विटर का लिंक मैं नीचे दिया हूँ, जाके फॉलो कीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।